फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि प्रिविलेज टू क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम वर्ड प्रिविलेज टू को कैसे यूज करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। बहुत आसान कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूँ तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। फ्रेंड्स, अक्सर आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहाँ आप कहते हैं यह मेरी खुश नसीबी है या यह मेरा सौभाग्य है। तो इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए आप इट इज माय प्रिविलेज टू का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो आपसे बात करना मेरी खुश नसीबी है या आपसे बात करना मेरा सौभाग्य है, तो आप कहेंगे इट इज माय प्रिविलेज टू टॉक टू यू। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो आपके साथ खाना खाना मेरी खुश नसीबी है या आपके साथ खाना खाना मेरा सौभाग्य है, तो आप कहेंगे इट इज माय प्रिविलेज टू ईट विद यू। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो आपसे मिलना या आपसे मुलाकात करना यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है या यह मेरे लिए खुश नसीबी है, तो आप कहेंगे इट इज माय प्रिविलेज टू मीट यू। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो अच्छे मार्क्स पाना यह मेरी खुश नसीबी है, तो आप कहेंगे इट इज माय प्रिविलेज टू गेट गुड मार्क्स। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो सरकारी नौकरी पाना यह मेरी खुश नसीबी है या मेरी सौभाग्य है, तो आप कहेंगे इट इज माय प्रिविलेज टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो आपकी मदद पाना मेरी खुश नसीबी है या मेरा सौभाग्य है, तो आप कहेंगे इट इज माय प्रिविलेज टू गेट योर हेल्प। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि जब आपको कहना हो यह मेरी खुश नसीबी है या मेरी सौभाग्य है, तो आप कहेंगे इट इज माई प्रिविलेज टू, उसके बाद जो आप आगे इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आप उस वर्ड को बोलें। फ्रेंड्स, अगर वाकई आप इस लेसन को शानदार तरीके से समझे तो क्या आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? और मेरा क्वेश्चन है इट इज माई प्रिविलेज टू गेट दिस इंग्लिश चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सेंटेंस का क्या मीनिंग है? आंसर जरूर दें, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक मजेदार लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।